जिला कांगड़ा के उपमंडल पालमपुर के राखबल्ला नगरी के समीप जंगल में दो तेंदुए कड़ाकी में फंसे मिले। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग पहुंचा तब तक एक तेंदुए की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि दूसरा लगभग 80% से बुरी तरह घायल था। डॉक्टर विपिन ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों लगभग 1 वर्ष की आयु के हैं और एक मृत मौके पर मिला है, जबकि दूसरा लगभग 80% बुरी तरह से घायल था। उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया गया और गोपालपुर जू में इलाज के लिए लेकर आया गया है। गोपालपुर जू की रेस्क्यू टीम को जो इन्फॉर्मेशन मिली अराउंड 10 o'clock हमें इन्फॉर्मेशन मिली, ऐसे कोई राख जगह के पास एक तेंदुआ है जो कड़ाकी में फंसा हुआ है, तो हमने मौके को विजिट किया। वहां पर जाके देखा अपनी पूरी रेस्क्यू टीम लेके अपने सारे इक्विपमेंट्स जितने भी हमारे ट्रैंगुलेशन में यूज होते हैं। वहां पर मौके पर पहुंचे हम तो मौके पर पाया गया कि वहां पर एक के बजाय दो तेंदुए थे और दोनों के करीब दोनों ही मेल तेंदुए थे और उम्र इनकी एक साल के करीब थी दोनों की। उसमें से एक तेंदुआ मृत पड़ा हुआ था तो दूसरा तेंदुआ वो कड़ाकी में फंसा हुआ था। तो जो कड़ाकी में फंसा हुआ तेंदुआ था उसको हमने झाड़ियों में उसके पूरी रेस्क्यू टीम ने पूरे अपनी जान पर खेल के उसको बचाया, उसको बेहोश किया और जहां से वो फंसा हुआ था उसका एक्चुअली जो था पूरा धड़ फंसा हुआ था उसमें, तो वहां से उसको फिर काटा तो देखा कि वो पूरा सा कट गया हुआ था और दूसरा जो तेंदुआ साथ में मृत पड़ा हुआ था। तो उन दोनों तेंदुओं को उठा के हम अपनी गोपालपुर जू लेके आए। जो मृत तेंदुआ था उसका तो पोस्टमार्टम किया जाएगा ताकि उसके मौत के कारणों का पता लग सके, बट मौत के कारण ऑब्वियस है, दिख रहा था कि जो खाई में फंसा हुआ था स्ट्रगल कर करके इतना एग्जॉस्ट हो चुका था कि उसकी लाश में जान चली गई और दूसरा वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर रहा था